जय माता दी। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस प्रकार से नवरात्रि के लिए वायरल रील्स वीडियो एडिट करना चाहते हो, जो कि इस समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है? तो दोस्तों, आज का जो है वीडियो है अपन तक जरूर देखिएगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सिंपली आपको किसी भी वीपीएन को कर लेना है कनेक्ट। उसके बाद आपको सिंपली कैपकट एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको सामने न्यू प्रोजेक्ट को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको यहां पर एक वीडियो क्लिप ऐड करनी होगी, जिस वीडियो क्लिप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप उसी वीडियो क्लिप को कर लीजिए सिलेक्ट। वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली फोटो वाले सेक्शन पर चले जाना है, और आप जिस भी फोटो से नवरात्रि के लिए वायरल रील्स वीडियो एडिट करना चाहते हो, तो आप उन्हीं फोटो को कर लीजिए सिलेक्ट। तो आप यहां से 7 फोटो को कर लीजिए सिलेक्ट। उसके बाद आपको नीचे ऐड वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। और आप देख सकते हो दोस्तों, हमने जो वीडियो क्लिप और जो फोटो ऐड की हुई है, वह सारी फोटो यहां पर आ चुकी है। तो आपको सिंपली इन सभी फोटो को अच्छी तरह से कर लेना है फ्रेम में फिक्स। तो आप दोनों फिंगर की मदद से कर लीजिए फिक्स। जैसे ही आप फिक्स कर लोगे, आपको सिंपली फर्स्ट में आ जाना है, और आपको यहाँ पर ऐड ऑडियो को कर लेना है सिलेक्ट, एक्सट्रैक्टेड को कर लेना है सिलेक्ट, और आपको यहाँ पर एक सॉन्ग वीडियो दे दूंगा, तो आप उसी सॉन्ग वीडियो को कर लीजिए सिलेक्ट। उसके बाद आपको सिंपली फर्स्ट वाली फोटो पर चले जाना है, और आपको यहाँ पर इन सभी फोटो का साइज 0.6 सेकंड कर देना है, तो आप कर दीजिए। जैसे ही आप सभी फोटो का साइज 0.6 सेकंड कर दोगे, आपको सिंपली फर्स्ट वाली फोटो को कर लेना है सिलेक्ट, एनिमेशन को कर लेना है सिलेक्ट। एनिमेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर कॉम्बो पर चले जाना है, और आपको यहां पर पेंडुलम फर्स्ट वाले एनिमेशन को सभी फोटो में कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हम जो नवरात्रि के लिए वायरल रील्स वीडियो एडिट कर रहे थे, वह यहां पर अच्छी तरह से एडिट हो चुका है। तो आपको इस रील्स वीडियो को सेव करने के लिए आपको कोने में एक्सपोर्ट वाले आइकन को कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही आप एक्सपोर्ट वाले आइकन को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, हम जो रील्स वीडियो एडिट कर रहे थे नवरात्रि के लिए, वह यहां पर सेव हो चुका है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो एडिटिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।